जी, क्या नाम है आपका? संगीता मालवी। संगीता जी, बताएं क्या मामला है? आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने एक से शादी पैसे लेकर शादी की है, क्या है पूरा? साहब मेरे हाथ में पैसे आए नहीं साहब, मैं शादी करना चाहती थी मेरी बच्ची के लिए कि मेरे बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। वो लोग मुझे भेला फुसला के लेके आए थे यहाँ कि अच्छा लड़का है, तुम्हारे शादी करो, तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, कब तक बंगलों पे काम करोगी। इस चक्कर में साहब मैं आई थी यहाँ पे कि मेरे बच्चे का मतलब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी 8 साल हो गए मेरे शादी को, तलाक को। तो वो औरत बोलने लगी कि कब तक बंगलों पे काम करेगी, तेरा घर बच जाएगा, तेरे बच्चे को मतलब बाप का सहारा मिल जाएगा, इसलिए वो लोग मुझे यहाँ लेके आए थे। तो मुझे भी मैं उनकी बातों में आके यहाँ गई। अब साहब वो रात में वो लोग है ना पैसे लेके निकल गए, उस लंगड़े ने मेरे सामने पैसे दिए भी नहीं, और उनने मेरे से जो जाल शादी करके कोर्ट मैरिज करवाई, और उसमें साहब मेरी आईडी भी नकली है, और मेरे साइन, मेरे साइन आरती शर्मा के करना नहीं आते थे साहब, तो उनने अंगूठा लगवाया मेरे से कागज पे, और वो लोग उनके घर ले गए साहब, और मेरे साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं हुई ना, कुछ गलत काम किया। कितनी लड़कियां लाई हैं यहाँ पे? सब मेरे सिर्फ अभी तो साहब मेरे को लेके आए, और बाकी इन लोगों के साथ मुझे कुछ भी ऐसा मालूम नहीं है कि लोग ऐसा बेच देंगे मुझे। बस मैं भरोसे पे आई थी इनके साथ में, और इनने मेरे को उलझा के वो खुद लोग भाग गए साहब। अब वो लोग नहीं मिलेंगे, और उनका मोबाइल बंद आ रहा है साहब, सब ने फोन लगा लिया, उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बोल रही है कि वो लोग नहीं मिलते जब तक आप यहाँ रहो, और 1,60,000 पुलिस मेरे से मांग रही, टीआई साहब मांग रहे 1,60,000 रुपए, मैं कहाँ से लाके दूँ? मुझे खुद बेच के चले गए लोग, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब है साहब, मैं तराने की रहने वाली हूँ। क्या चाहती हूँ आप? मैं बस मेरा घर जाना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहती हूँ साहब, कि मेरे घर मुझे पहुँचा दिया जाए बस मेरी बच्ची के साथ। मैं इतने पैसे कहाँ से लाके दूँ साहब? टीआई 1,60,000 रुपए मांग रही है मेरे से, जबकि आपको खुद बेचा गया। बाकी मुझे बेच दिया उन लोगों ने, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? और मेरी उनने तलाशी भी ले चुकी है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं निकला साहब। दूसरे लोग दलाल लेके पैसे भाग गए साहब, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरी उन लोगों ने तलाशी भी ले चुकी है, मेरे पास से कुछ नहीं निकला है, मेरा फोन भी टेस्ट कर चुके हैं साहब, मेरे नंबर मेरा मोबाइल सब उनके हाथ में जा चुका है, फिर भी वो लोग मुझे नहीं छोड़ रहे। जी मम्मी जी, किस तरह का मामला एक सामने आया है जिसमें एक महिला की खरीद फरोख्त हुए है और उसमें अब उसको आश्रय गृह में रखा गया है? महिला को जावर पुलिस आश्रय गृह में लाई थी। ये मामला कुछ खरीद फरोख्त का है। ये महिला इंदौर तरफ की रहने वाली है, मिसरौद की रहने वाली है। इसको कोई दूसरी महिला इसको आदि का आश्वासन देकर बिजावर ले आई थी। जी, बिजावर ने उसने कहा कि तुम्हारी शादी करा देंगे, जिससे शादी कराने की बात की तो वो विकलांग व्यक्ति था, तो उसने मना कर दिया उसकी शादी करने के लिए। तो मामला कुछ इस तरह का है। अब इसको कहाँ पर रखा गया है? अब इसको आश्चर्य में बिजावर पुलिस लाई थी, यहाँ रखा गया है। आरोपी जो है मुख्य आरोपी खरीदने बेचने वाले, उनको पुलिस ने छोड़ रखा है, तो उसका क्या मानना है आपका? अब ये मुझे मालूम नहीं कि इन्वेस्टिगेशन उनका क्या चल रहा है, इसको यहाँ रखा हुआ है उन्होंने कुछ दिन के लिए, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसको यहाँ रखा जाए। हमने उनसे ये भी कहा था कि यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, आप कोई महिला पुलिस यहाँ रखिए, तो वो उन्होंने यहाँ पर दिया नहीं। तो क्या मानते हैं, ये आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए? सिर्फ महिला ही दोषी है क्या? आरोपी तो पकड़ा जाना चाहिए, बस पकड़ा जाना चाहिए, इसमें महिला अकेली दोषी नहीं है। पुर में बहुत मामले सामने पहले भी आते रहे हैं, और कुछ गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं दुल्हन की खरीद फरोख्त का, तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। किस तरह के मामले आते हैं यहाँ खरीद फरोख्त होती है, लड़कियों की महिलाओं की? अब बाहर से लाते हैं लोग, कहीं आसाम से, बिहार से, इधर से लोग ले आते हैं, तो इनको यहाँ पर बेच देते हैं। कई मामले इस तरह के आ चुके हैं पहले भी।